हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 1, प्रार्थना। सबसे पहले तो मैं आप पोयम को रीड करूंगी, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा, शब्द रूपी शक्ति दे, भाव रूपी भक्ति दे, प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा, विद्याधन दे अमास, एक छंद एक ध्यास, नाव नेई पैल तरी दया सागरा, हो आमी नीतिमंत कलागुनी बुद्धिमंत, कीर्तीचा कळस जाई उंच अंबरा, नमस्कार माझ्या या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा। सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग जानते हैं कि ये जो हमारी पोयम है प्रार्थना, इसका मीनिंग क्या है। प्रार्थना यानी प्रेयर, जैसे हम लोग स्कूल में आके रोज सुबह प्रेयर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं। तो इस प्रेयर में वो लोग क्या प्रार्थना करते हैं, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सब बच्चे क्या कहते हैं, नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, यानी ये जो ज्ञान का मंदिर है, जैसे कि हमारा जो स्कूल होती है यहाँ पर हमें हर किस्म का ज्ञान यानी नॉलेज मिलता है, हर तरीके की सीख हमें सिखाई जाती है। तो सबसे पहले वे क्या कहते हैं, नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा। इस ज्ञान मंदिर को, इस पाठशाला को वो लोग क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरा, सत्यम यानी इस स्कूल में हमें सत्य हमेशा सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलना है। शिवम यानी जैसे कि एक बोलते हैं कि हमें हमेशा काइंडनेस हमारी दिखानी चाहिए, हमें हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहना चाहिए वो। और सुंदरा यानी यहाँ पर कोई भी ऊंच या नीच नहीं होता है, सब सेम होते हैं, सब हमेशा ब्यूटीफुल होते हैं, ये यहाँ पर हमें सिखाया जाता है। तो बच्चे क्या कहते हैं, सबसे पहले नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा, शब्द रूपी शक्ति दे, भाव रूपी भक्ति दे, प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा। शब्द रूपी शक्ति दे, शब्द रूपी यानी यहाँ पर हमें जो वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं या फिर जो बातें हमें सिखाई जाती है, उन जो बातों की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो हमें चाहिए। भाव रूपी भक्ति दे, भाव रूपी यानी हमारे सबके अंदर कुछ फीलिंग्स होती है, भाव होते हैं, तो उसकी भक्ति हमें चाहिए। प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा, प्रगति चे पंख यानी हम लोगों को आसमान में उड़ने के लिए या फिर कामयाबी हासिल करने के लिए जो पंख चाहिए वो पंख हमें दो। तो ये बच्चे जो है ये सब प्रेयर कर रहे हैं, एक ज्ञान मंदिर है उससे ये सब प्रेयर कर रहे हैं कि उनको यहाँ से क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो शब्द रूपी शक्ति चाहिए, जो वर्ड्स की जो पावर होती है वो चाहिए, भाव रूपी भक्ति चाहिए, प्रगति चे पंख दे, प्रगति चे पंख यानी जैसे कि मैंने आपको बताया है आसमान में उड़ने के लिए या फिर हम कामयाब होने के लिए आगे उनको पंख चाहिए, वो पंख उन्हें यहाँ से चाहिए। विद्याधन दे अमास, एक छंद एक ध्यास, नाव नेई पैल तरी दया सागरा। विद्याधन दे अमास, विद्याधन यानी जो नॉलेज का जो धन होता है, जो वेल्थ होता है, वो उनको चाहिए। एक छंद एक ध्यास, एक छंद यानी जैसे कि उन लोगों को एक छंद चाहिए अभ्यास करने का, यानी स्टडी करने का एक छंद चाहिए और एक ध्यास चाहिए। नाव नेई पैल तरी दया सागरा, नाव यानी उनकी जो नौका होती है, उनको जो दया का सागर है वहाँ तक लेकर जानी है, तो उसको लेकर जाने के लिए उनको क्या चाहिए, ध्यास चाहिए। हो आमी नीतिमंत कलागुनी बुद्धिमंत, कीर्तीचा कळस जाए उंच अंबरा। हो आमी नीतिमंत, नीतिमंत यानी उन लोगों को इतना सद्गुणी बनना है, और नीतिमंत यानी जैसे कि हमेशा सच्चाई की राह पर उनको चलना है। कलागुनी बुद्धिमंत, कलागुनी यानी उन लोगों को अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन करना है, उनको अपने अंदर कुछ कलाओं को लेना है। बुद्धिमंत यानी जैसे कि आपको पता ही होगा, बुद्धिमंत यानी उनको क्लेवर होना है, होशियार होना है, हर चीज़ में आगे बढ़ना है। कीर्ति चा कळस जाए उंच अंबरा, कीर्ति यानी उन लोगों की जो कोशिशें होती है या फिर उनका जो आने वाला जो कल होता है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उनका जो सक्सेस होता है, उनकी जो कामयाबी होती है, वो दूर आसमान तक जानी चाहिए। ये सब प्रेयर्स बच्चे यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा। इन ये पोयम में ये बच्चों ने जितनी भी बातें कही है, ये सब बातें उनको उनके ज्ञान मंदिर से चाहिए।
इसी तरीके से हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है प्रार्थना पोयम का, ये यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।